चंडीगढ़ में एचपीपीसी कमेटी की बैठक में दो एजेंडों पर मोहर लगी है। छात्रों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई के नाम से इस योजना को शुरू किया जाएगा। तो बता दें, चंडीगढ़ में एचपीपीसी की कमेटी की बैठक चल रही थी और इसी बैठक में फैसले लिए गए हैं, काफी अहम फैसले, जिसमें छात्रों को सेल्फ डिफेंस को लेकर फैसला लिया गया। छात्रों को सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इस योजना का नाम होगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई नाम से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। मीटिंग में सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स ट्रेनिंग पर भी मोहर लग गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, खासकर जो है बच्चों के लिए, स्कूली छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए ये अच्छी खबर होगी कि सबसे पहले सेल्फ डिफेंस यानी कि खुद की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होगी और वो ट्रेनिंग दी जाएगी छात्राओं को। ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें जो इस योजना का नाम भी तय कर लिया गया है। इस योजना का नाम होगा रानी लक्ष्मीबाई योजना। इसी से इस योजना की शुरुआत होगी और इसी में तमाम छात्राओं को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। चंडीगढ़ में एचपीपीसी कमेटी की बैठक में ये दो एजेंडे जिस पर मोहर लगी है और इस पर विचार इसलिए भी किया गया क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा, छात्राओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है और सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया। छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की जानकारी हो और उसी के साथ वो खुद के लिए कैसे जो है अपनी सुरक्षा कर सकती है उसको ध्यान में रखते हुए रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक योजना शुरू होगी और इस योजना के माध्यम से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग छात्राओं को दी जाएगी। मीटिंग में सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स ट्रेनिंग पर भी मोहर लगी है। तो दो बड़े एजेंडे जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, एचपीपीसी कमेटी की बड़ी बैठक, दो एजेंडों पर मोहर लगी। इसके अलावा बैठक में क्या कुछ खास रहा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एचपीपीसी की बैठक चल रही थी, दो एजेंडे जिस पर मोहर लगी और आपसे ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे, उसी के साथ क्या खास चर्चा इस बैठक में रही? जिस तरीके से कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा बताया गया कि इस बैठक के अंदर जो है वो दो एजेंडे शिक्षा विभाग के थे, जिसके अंतर्गत जो है वो लगभग 6 करोड़ रुपयों की परचेजिंग को जो है वो हरी झंडी दी गई। इसमें मुख्य रूप से जिस तरीके से सभी सरकारी, रवि दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से दो एजेंडे उसको लेकर बातचीत की गई है, खासकर छात्राओं की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का जिक्र उसमें किया गया, उसके लिए मंजूरी मिली है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से योजना शुरू होगी और उसी से छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।